नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी विज्ञानमय कोश के विषय में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। विज्ञानमय कोश आत्मा का चौथा आवरण है। यह विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र में स्थित होने के कारण यह मन की पहली परत है और यह कोश मनोमय या मन से परे अंतर्ज्ञान है। यह कोश सभी पूर्व में बताए गए कोशों से सूक्ष्म है। अभी तक मैंने आपको चार कोशों के विषय में बताया है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। आज मैं बता रहा हूँ विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का अर्थ है विज्ञान या बुद्धि से बना हुआ। योग दर्शन के मुताबिक विज्ञानमय कोश आत्मा को ढकने वाले पंच कोशों में से एक है। विज्ञानमय कोश ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण करने वाला कोश कहलाता है। अतः विज्ञानमय कोश योग की धारणा के अनुसार मानव अस्तित्व का पांच भागों में बटा हुआ विभाग है, जिन्हें पंचकोश कहते हैं। ये कोश एक साथ विद्यमान अस्तित्व में भिन्न भिन्न तल पर समान होते हैं। मित्रों, विज्ञानमय कोश को नियमित योगासन, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञानमय कोश को पूरी तरह से सक्रिय करने पर जीव में गहरी शांति का अनुभव होता है। विज्ञानमय कोश विचारों की गहरी और सूक्ष्म परतों से जुड़ा हुआ होता है। यह कोश अस्पष्टता और आंतरिक प्रतिबिंब विकसित करने में मदद करता है। विज्ञानमय कोश हमें अपनी वर्तमान स्थिति से पीछे हटने और इसे बेहतर दृष्टिकोण से देखने की अनुमति देता है। विज्ञानमय कोश ऊर्जा शरीर का एक हिस्सा है। यह मनोमय कोश को कवर करता है। यह ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि से जुड़ा हुआ है। विज्ञानमय कोश को जागरूकता या ज्ञान कोश भी कहा जाता है। यह कोश अंतर्ज्ञान का स्थान है और गहरी जागरूकता विकसित करने में मदद करता है। अतः इसका विकास कैसे करें? किसी एकांत स्थान में जाओ जहाँ अधिक सर्दी न हो, न गर्मी हो। लज्जा निवारक वस्त्रों के अलावा सब कपड़े उतार दो। अपने हाथ, पांव, छाती, पेट, कमर, पेरू आदि को स्वस्थता और सबलता की भावना से देखो, उस पर विश्वास करो। शरीर पर तेल लगाना हो तो अनुभव करते जाओ। तेल की प्राण शक्ति शरीर में प्रविष्ट होकर इसे सतेज बना रही है। इस प्रकार आनंद का स्वरूप आधार और स्थान विदित हो जाने पर मान्यता स्थिर होती है। मित्रों, आपको बता दें कि यह निश्चित हो जाना ही भ्रांति का निवारण है। वस्तु स्थिति का ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। आत्मिक समस्याएं ही सबसे बड़ी समस्याएं हैं। उन्हीं के समाधान से वास्तविक समाधान होता है। अस्तु, अंतरात्मा की उलझनों को सुलझा देने वाले ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, सत्य ज्ञान आदि के नाम से पुकारते हैं। आनंद की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम इसी आंतरिक शक्ति का विकास योगियों ने किया था। अतः हम सभी को भी करना चाहिए। किसी निर्जन स्थान में जाकर आराम कुर्सी या पलंग पर चित्त लेट जाओ या जमीन पर चटाई बिछाकर सीधे परे रहो। पैरों को कुछ ऊंचा रखने के लिए उनके नीचे एक तकिया लगा लो। देह को रुई की तरह ढीली छोड़ दो, इतनी ढीली मानो निर्जीव हो गई हो। अब भावना करो कि संसार महान नीला आकाश है, उसमें अत्यंत प्राण शक्ति भरी हुई है। इस समय और किसी वस्तु का ध्यान न आना चाहिए। यह अभ्यास कुछ दिन लगातार करने पर पूरा होता है, पर जब मन इतना शांत हो जाए कि विश्वव्यापी प्राण के अतिरिक्त किसी पेड़, पहाड़, महल, मंदिर, जीव जंतु आदि का ध्यान न आए तो अद्भुत लाभ होता है। 10-15 मिनट इस प्रकार परे रहने पर सारी थकावट चली जाती है, शरीर बल से भर जाता है। मित्रों, विज्ञान में कोश को विकास करने के लिए ये सारी जो विधियां मैंने आप सभी को बताई, इसका अभ्यास निरंतर यदि आप करते हैं तो निस्संदेह आपके विज्ञान में कोश में उत्तर उत्तर वृद्धि होने लगेगी। आपको बता दें, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि,
आज्ञा चक्र, इन चक्रों पर ध्यान धरते हुए, ध्यान करते हुए बस एक घंटे रोज और शांत मन तो हो जाए, रोज अभ्यास करें और मन शांत हो जाएगा। पंचकोश की ध्यान विधि मैं आपको रोचक तरीके से मैंने बताए और आसन भी बताए हैं जब मैं आपको चक्र के बारे में बताया था। मित्रों, आपको यह वीडियो बिल्कुल आपके अंदर के सारे जिज्ञासाओं को शांत कर देगा। इतना ही नहीं, आपके मन में उठ रहे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की प्राप्ति कैसे होगी। यदि आप अन्नमय कोश की साधना कर लेते हैं, प्राणमय कोश की साधना कर लेते हैं, मनोमय कोश की साधना कर लेते हैं, तो विज्ञानमय कोश की साधना करना बड़ा ही अत्यंत सरल हो जाता है। जैसा कि चित्र में मैंने आपको दिखाया है, परम चेतना तक कैसे पहुँचे, तो यही वो कारण है, शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है, जिसके आधार पर आप परम चेतना यानी आत्मा तक पहुँच सकते हैं। हमारे शरीर में तीन तरह के शरीर हैं जो सूक्ष्म बताए गए हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो आपको आत्मा आनंदमय है और सूक्ष्म शरीर में विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश होते हैं। और पंचकोश शुद्धिकरण का जो साधना है वो कैसे करेंगे, आपको यहाँ आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसे आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसे बार बार पढ़ने का अभ्यास करें। अन्नमय कोश के जागृत होने से क्या लाभ होंगे, इसके उपाय क्या हैं, प्राणमय कोश के जागृत होने से क्या लाभ होगा, मनोमय कोश के जागृत होने से क्या लाभ होगा, विज्ञानमय कोश के जागृत होने से क्या लाभ होगा और आनंदमय कोश के जागृत होने से क्या लाभ होगा और इसके उपाय क्या हैं, वह सब के सब लिखे हैं। मित्रों, निरोगता, दीर्घ जीवन, चीर यौवन यदि चाहते हैं तो अन्नमय कोश को ठीक करना ही होगा। प्राणमय कोश ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, ओज, तेज, यश के लिए ठीक करना है और मनोमय कोश को आकर्षित व्यक्तित्व, धैर्य, मानसिक संतुलन, एकाग्रता, बुद्धिमत्ता के लिए। और विज्ञानमय कोश तो आपको पता ही है, मैंने पूर्व में पहले ही बताया है। तो विज्ञानमय कोश आज का जो हमारा विषय है वह विज्ञानमय कोश है, वास्तव में साइंस ऑफ सोल। सभी को जानने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुरु विरजानंद के पास जब ऋषि ध्यानंद गए थे तो उन्होंने बस एक ही प्रश्न पूछा था, कौन हो, तो ऋषि ध्यानंद के उत्तर थे, मैं कौन हूँ यही जानने के लिए आया हूँ गुरुवर आपके शरण में। तो गुरु विरजानंद जी ने यही दीक्षा दिया था, उनके चक्रों को जागृत कराया था, मूलाधार चक्र को, स्वाधिष्ठान चक्र को, मणिपुर चक्र को, अनाहत चक्र को, विशुद्धि चक्र को और सहस्रार चक्र को जागृत कराया था। ओम लंग, ओम वंग, ओम रंग, ओम यंग, ओम हंग, ओम ओम। इसका प्रत्येक दिन यदि कोई साधक वाचन करता है और चक्रों पर ध्यान करता है तो उसके विज्ञानमय कोश में प्रवेश अत्यंत शीघ्रता से हो जाता है। मित्रों, मैटर यानी पदार्थ का सूक्ष्म स्वरूप अब परमाणु नहीं रहा, परमाणु के भीतर भी अनेक घटक स्वतंत्र इकाइयों के रूप में काम करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आदि के भीतर भी सूक्ष्म कण विद्यमान है, जो आज के वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, इस विज्ञानमय कोश को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आज के जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसके प्रयत्न में लगे हैं, परंतु जो अल्प जान रहे हैं विज्ञान के विषय में वो इन सबको आज भी नहीं मानते हैं। अतः मित्रों,
आपको यह वीडियो कैसी लगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए